हे गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सदफ़ हाशमी और आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग बेसिकली ना लास्ट फ्यू डेज से मान लो कि जैसे हम लोग एरेज ही पढ़ रहे हैं, ARRAYS एरेज क्या होता है, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दो। तो आज हम लोग एरे में ना एक मैथड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, राइट, हम लोग डॉट लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े और यस्टरडे वी रेड अबाउट, वी स्टडीड बेसिकली, वी गॉट टू नो कि व्हाट इज़ अ पुश डॉट पुश मेथड फॉर एरेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देते हैं एरे में, एरे की लिस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, डॉट पुश मेथड। आज हम लोग डॉट पीओपी पॉप मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब डॉट पॉप मेथड में होता क्या है, बेसिकली जब डॉट पॉप मेथड इस्तेमाल करते हैं ना तो लास्ट का जो एलिमेंट है एरे का वो डिलीट हो जाता है। यू सी, इट्स क्लियर, जो भी एलिमेंट रहता है एरे में लास्ट से, यू नो, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द एरे वो डिलीट हो जाता है, लास्ट एरे विल बी डिलीटेड एज वी यूज डॉट डॉट पॉप मेथड। सो इट्स दैट ईजी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें, मैं जाने से पहले होमवर्क भी दे दूंगा, बहुत अच्छा सा चीज़ है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। द पॉप मैथड, अनदर एरे मैथड इज द डॉट पॉप मैथड, रिमूव्स द लास्ट आइटम फ्रॉम द एरे। तो बच्चे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देख रहे हो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, CONST बोलते हैं कॉन्स्ट, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग एक यू नो वेरिएबल बनाए और उस वेरिएबल को हम लोग ने एक एरे असाइन किया है, मतलब ये वेरिएबल क्या कंटेन करता है, एक एरे कंटेन करता है। उस एरे में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 एलिमेंट है। ये देखो आइटम 0 क्यों लिखा है, आइटम 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है, ये बाद में जानेंगे, ये इंडेक्सिंग की वजह से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज में, वो भी आप चेक कर सकते हो। देखो कॉन्स्ट, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा है जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, रिमूव्ड नाम का, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्या है, रिमूव्ड नाम का, उसको असाइन क्या किया गया है, एक एरे असाइन किया गया है। क्या सेम टू सेम एरे असाइन किया गया है, हाँ सर। क्या इसमें कोई चेंजेस है, हाँ सर। क्या चेंज है कि इसमें जो लास्ट का जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई डॉट पॉप मेथड इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो ये वाला जो एरे है और ये वाला जो वेरिएबल है जो एक दूसरा वेरिएबल को कंटेन करता है, जो एक नए एरे को कंटेन करता है, डिफरेंट है। नया एरे क्यों है, क्योंकि उसमें लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग न्यू आइटम करने से क्या आना चाहिए, न्यू आइटम ट्रैकर, कंसोल डॉट लॉग न्यू आइटम कल के आना चाहिए, ये क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट नो, फाइंड समथिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब कभी ये तो पहले से कोड लिखा हुआ है, राइट, हम लोग का ये कोड एडिटर में पहले से कोड लिखा हुआ है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं हो क्या प्रोसेस हो, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि सिंगल लाइन कोड था, देखो एक लाइन पर लिखा गया, तो मैंने डिलीट यू नो दो फॉरवर्ड स्लैशेस मारा, हो गया टे, मर गया वो, रीड किया नहीं जाएगा, अगर जिंदा करना है तो रिमूव कर देंगे, फिर रीड हो जाएगा, फिलहाल के लिए रीड नहीं करना चाहते, हम लोग अपना कोड लिखेंगे। देखो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया हम लोग, कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया, न्यू आइटम ट्रैकर असाइन किया हम लोगों ने एक एरे, इसको इसमें स्ट्रिंग्स हैं, आई गॉट आइटम 0, दूसरा आइटम क्या है, आइटम 1, ठीक है, तीसरा आइटम क्या है, सॉरी आइटम 2, राइट, ओके, ठीक है। फिर एक नया वेरिएबल बनाया गया है कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, REMOVED होता है ना, रिमूव, इसको असाइन किया गया है न्यू आइटम ट्रैकर, लेकिन समथिंग न्यू इज़ देयर, इसमें लास्ट एलिमेंट को क्या कर दिया गया, पॉप कर दिया गया, नहीं रिमूव कर दिया गया, और सिंस इट्स अ मेथड तो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स मैंने इसमें लगा दी, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स करता हूँ सेमी कॉलन एंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, बेसिकली कंसोल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अंदर में क्या लिखेंगे, न्यू आइटम ट्रैकर, न्यू आइटम ट्रैकर, ठीक है। देखो आउटपुट, देखो
देखो जब हम लोग न्यू आइटम ट्रैकर करते हैं, ध्यान से सुनना, तो क्या आउटपुट आता है, क्या आइटम है, न्यू आइटम ट्रैक करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, आइटम जीरो, आइटम वन, क्या लास्ट आइटम उड़ गया? यस सर, सिंस उड़ गया तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं बताऊंगा क्यों, ROMV रिमूव, ठीक है। अब मैं इसको आउटपुट करता हूँ, क्या पे बस आइटम टू आउटपुट आ रहा है, यस। क्या एक एरे है? नहीं। ओ सर, आप कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिमूव्ड कीवर्ड है इसके अंदर क्या आके फंस गया है, इसके अंदर ये लास्ट का आइटम आके फंस गया है। हाँ, अच्छा, ओहो, आई सी। तो बेसिकली ये अपडेट कर देता है एक एरे को। हाँ ओके, इट्स काइंड ऑफ वर्क डिफरेंटली, यस, डिफरेंटली देन वो पास्ट वाला डॉट पुश, यस ओके। तो रिमूव में क्या कंटेन करता है, रिमूव में जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस कोड को लिखते हैं न्यू आइटम ट्रैकर डॉट पॉप, तो क्या होता है, इससे ये वाला वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू सेव हो जाता है, ये वाला वैल्यू इसकी वजह से। और कहाँ सेव करना चाहते हैं हम लोग, रिमूव में सेव कर दिया। क्या इस वाले इसमें कोई चेंज आया आइटम्स में? हाँ, आइटम्स में चेंज आया, कॉन्स्टेंट वेरिएबल से ग्रेटर जो एरे है इसमें लास्ट वाला आइटम उड़ गया है। तो कैसे पता चला, दोबारा इसी एरे को हम लोगों ने कॉल किया, उसकी वजह से क्या आउटपुट आया, लास्ट का आइटम टू उड़ गया। फिर आइटम टू सेव कहाँ हुआ, जैसे मैंने बताया रिमूव वाले इसमें जाके सेव्ड हो गया। अच्छा, ये अपडेट वो अपडेट करता है, ठीक है, जो भी करता है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। अब देखो, इन द एग्जाम्पल अबव द कॉलिंग डॉट पॉप ऑन द आइटम एरे रिमूव्ड आइटम टू फ्रॉम द एंड, रिमूव्ड आइटम टू फ्रॉम द एंड, अपडेटेड इट विथ आइटम टू नॉट बींग प्रेजेंट देयर, गॉट इट। डॉट पॉप डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स, क्या याद है पुश एक आर्ग्यूमेंट लेता था, एक ले सकता था, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता था, लेकिन पॉप में क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इट सिंपली रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द न्यू ट्रैकर। ये एक ही एलिमेंट उड़ाएगा, वो भी लास्ट का एलिमेंट उड़ाएगा, और उसको अपडेट कर देगा पूरे के पूरे एरे को। डॉट पॉप रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट, इट रिटर्न्स, क्या नहीं, आप देख सकते हो ये रिटर्न कीवर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने बताया रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, बेसिकली लास्ट वाले आइटम को एरे से निकाल के अपने पास रख लेता है। और हम लोगों ने अपने पास तो रख लिया, बट हम लोग चाहते थे कि हम लोग को पता तो चले, किसी के पास तो पता चले, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हम लोगों ने बोला जो भी ये चीज़ छीना है उसको सौंप दो, तो उसको उसने दे दिया। रिटर्न द वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द एग्जाम्पल अबव वी स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन अ वेरिएबल रिमूव्ड, समझ में आया, स्टोर कर लिया था इसके अंदर रिमूव वाले वेरिएबल, अब तो क्लियर है ना। डॉट पॉप इज अ मेथड दैट म्यूटेट्स द इनिशियल एरे, और डॉट पुश क्या था, वाज अ डिस्ट्रक्टर, राइट, डिस्ट्रक्टर मेथड फॉर एरेज। डॉट पॉप क्या है, ये भी एक मेथड है जो क्या करता है, चेंज करता है, म्यूटेट करता है पुराने एरे को। सर म्यूटेट व्यूटेट क्यों लिखा है, बेसिकली इट अपडेट्स द एरे, इट अपडेट्स द एरे, यस इट अपडेट्स द एरे, मतलब पुराने एरे को वो चेंज कर देगा। हाँ ओके ठीक। व्हेन यू नीड टू म्यूटेट एन एरे बाय रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट यूज डॉट पॉप, इससे अपडेट हो जाएगा चीजों। ओके, तो यहाँ पे एक वर्क दिया गया, तो फॉर दिस विल हैव टू डिलीट आवर न्यू, लेट्स डिलीट ओनली आवर न्यू कोड, ओके, जो हम लोगों ने कॉन्स्ट की वर्क की है, चोट लग गया। ओके, इस वाले इसको वापस लेके आ जाते हैं, जिंदा कर देते हैं। यूज द डॉट पॉप मेथड टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम चोर्स, तो क्या है, वॉशिंग डिशेज, डू लॉन्ड्री, टेक आउट ट्रैश, कुक डिनर, मॉप फ्लोर, गर उसमें बोल रहा है कि मॉप फ्लोर जो है तो लास्ट एलिमेंट है उसको करना है रिमूव, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ओके,
बहुत ईजी है, हम लोग को सेव भी नहीं करना, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो एलिमेंट उड़ा है वो हम लोग को वापस मिले, हम चाहते हैं बस अपडेट हो जाए। सिंपली लिखेंगे चोर्स, यस। अपडेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पॉप, हो गया। लेट्स सी, होपफुली सही होगा। क्लियर है, कितना आसान से हो गया। चलो सेकेंड आइटम क्या है, इन द, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। वन डे इज लेफ्ट टू मीट योर वीकली टारगेट, कीप गोइंग, गुड वर्क, आई नो, थैंक यू। इन अ लाइन आफ्टर यू कॉल चोर्स डॉट पॉप, लॉग द चोर्स टू कंसोल टू मेक श्योर इट वर्क, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर आपने इतना कुछ तो किया, मेरे को क्या पता कि अपडेट हुआ कि नहीं। वी नो फॉर श्योर कि अपडेट करता है डॉट पॉप, तो आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है आउटपुट इसका। लुक, ओके, लास्ट में क्या था, मॉप द फ्लोर, गायब हो गया यहाँ से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड ही है, फोर्थ वाला एलिमेंट गायब हो गया। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप आप लिखो किड्स रजिस्टर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके। उसको आप एक एरे असाइन करो, उसमें चार पांच बच्चों के नाम लिखो, और एक बच्चे का नाम आप लिख देना वहाँ पे एस आर के, फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो, और एस आर के लेफ्ट स्कूल, ठीक है, फॉर सम रीजन्स। तो किड्स रजिस्टर्ड में उसका तो नाम नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, और एस आर के जो है ना वो बेसिकली लास्ट में है, एरेज में इसे लिखते हैं ना, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, तो लास्ट में है उसका नाम, क्या है उसका नाम, लास्ट में, लास्ट समझते हो, मतलब एंड पे है। तो तुमको रिमूव करना है एस आर के को। व्हाट यू वाना यूज इट, शो इट टू मी, क्लियर, तो वेरी क्लियर। लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। मूड एरे मेथड्स, पुश पुल, उसके बाद क्या क्या है वो लोग देखेंगे ग्रेजुअली, मज़ा आएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आप भाग रहे हो यहाँ से तो चुपचाप जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे या कमेंट डाउन योर होमवर्क जो मैंने दिया आपको। इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वॉट, नथिंग मोर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई लव यू इतना ज़्यादा कि पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाए।